तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि आइंदा यहाँ मत आना। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुमने मना किया था। मेरा दिल नहीं माना तो मैं आ गया। काश तुम मेरी बात समझ सकती थी। मुझे तुम्हारी बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, तुम्हें तो सिर्फ अपने बिजनेस में दिलचस्पी है। सिकंदर खालू के आलीशान बंगले में जाके तुम हम सबको भूल बैठी, और वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर शाहनवाज, जो हर वक्त तुम्हारे गिर्द घूमता रहता है, कभी तुम्हारे दफ्तर में, कभी शॉपिंग मॉल, कभी तुम्हारे घर में, उसके गिर्द तो बहुत खुश रहती है। तुम्हें मेरे मामलात में बोलने का कोई हक नहीं है। मेरी मर्जी में जिसके साथ भी बात करूं या शॉपिंग करूं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? वही आ रही है, तुमने कभी मोहब्बत की? वो वक्त कब का बीत चुका है। वो मेरी नादानी थी और कुछ भी नहीं। मेरे नाम की अंगूठी पहनी थी तुम, मेरे ख्वाब देखे थे, कितने वादे किए थे हमने एक दूसरे के साथ, मेरा इंतजार कर रही थी तुम, सब कुछ भूल बैठी हो इतनी आसानी से। और अब मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत भी उसी से करती हूँ जिससे कभी मोहब्बत की। चले जाओ यहाँ से। शाहनवाज से मिलना छोड़ दो दीदी, मुझे तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं। वो किस हक से तुम्हारे साथ घूमना चाहता है? हक के बातें करता है, क्या रिश्ता है उसका तुम्हारे साथ? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। आज मैं पूछ रहा हूं, कल पूरी दुनिया पूछे, किस किस को जवाब दोगे, किस किस से झूठ बोलोगी जेब? चले जाओ यहां से, वरना। वरना क्या? अब तो मुझे धमकी दोगी जेब? शाहनवाज को बुलाओ, उसको मेरे मुकाबले में खड़ा करो। आरिस, तुम्हारी हिम्मत किस तरह हुई है जेबू से इस तरह बकवास करने की? सिकंदर खालू, मैं सिर्फ उससे एक बात करने आया। मैंने तुम्हारी और जेबू की सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई कि यहां पे आकर फजूल बातें कर रहे हो? जेबू कोई लावारिस नहीं है, अभी बाप उसका जिंदा है। तुम होते कौन हो जेबू से सवाल करने वाले? आप कुछ नहीं जानते। मेरी कोताहियां थी, मेरी गलती थी कि मैंने जेबू को तुम लोगों के रहम और करम पर छोड़ दिया। लावारिस समझते रहे तुम लोगों से, जिसके दिल में जो आता था इसे कह देता था। But not anymore. चलियो यहां से। क्या राम।